जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पशुपालन विभाग डिप्लोमा 2024। जी हां साथियों, पशुपालन का डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है पशुधन सहायक का डिप्लोमा करने की, तो आप 2 वर्षीय पशुधन सहायक का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं साथियों। इसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जो वेटनरी करना चाहते हैं 2 साल के ही, वो आराम से कर सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए यहां पर मौका है। 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। सारी चीजें समझाने वाले हैं। लास्ट डेट कब तक है? ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है उसकी भी चर्चा करेंगे। सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में किसी में भी नंबर आ सकता है। बिना परीक्षा सीधा प्रवेश दिया जाएगा। कितनी क्या फीस लगने वाली है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। सारी की सारी योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फीस कितनी लगेगी, ठीक है, 2 साल का कोर्स है, छात्रवृत्ति का भी हम आपको बताने वाले हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। कुल कॉलेजें कितनी हैं, सरकारी कॉलेज कितनी है, प्राइवेट कॉलेज कितनी है, राजस्थान में सभी कॉलेजों की लिस्ट भी हम आपको जारी करवा देंगे और आपको लिस्ट भी बता देंगे, ठीक है साथियों। आप उसमें नाम देख सकते हैं, जिला देख सकते हैं, कॉलेज का नाम और जिला दोनों देख सकते हैं। ये सुविधा भी उपलब्ध है। पूरी की पूरी कॉलेजें हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। अब भाई फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाले हैं, लिंक वगैरह भी आपको दे देंगे फॉर्म भरने की, ठीक है ना। आ जाओ फटाफट से देखते हैं। राजस्थान पशुपालन डिप्लोमा कोर्स एडमिशन शुरू 2024-25। वेटनरी का कोर्स है 2024-25 में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 2 वर्षीय पशुधन सहायक कोर्स इसका नाम है साथियों। जो भर्ती निकलती है ना पशुधन सहायक की, उसमें ये कोर्स मांगा जाता है। अगर किसी के पास ये कोर्स होता है तो पशुधन सहायक में भर्ती में आवेदन कर सकता है। वेटनरी कोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, पशुओं का डॉक्टर बन जाओ, भैंस गायों का डॉक्टर बन जाओ, प्राइवेट डॉक्टर बन जाओ, सरकारी बिना बनो तो यहाँ कमाई कर लोगा खूब, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं, महिला पुरुष दोनों को इसमें मौका मिलता है। अब सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। योग्यता क्या है, एज क्या है, फीस कितनी लगेगी, चयन कैसे होगा, कॉलेजों की लिस्ट जारी हो चुकी है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब आ जाओ इसकी फटाफट से देखते हैं सारी जानकारी। ऑनलाइन आवेदन करना है, ई मित्र द्वारा आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 23 मई से फॉर्म शुरू है और 15 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म कहां से भरना है, गूगल पर आप इसको सर्च कर लीजिए, www.rajuvas.org. ये है साथियों, ठीक है, राजूवास की जो वेबसाइट है इनकी और ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसकी लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद को आवेदन करना आता है तो खुद कर लीजिए, वरना ई मित्र पे तो आप फॉर्म भरवाएंगे ही। और मैं तो यही कहूंगा कि आप ई मित्र से ही फॉर्म भरवाना, खुद फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, फिर आप घूमते फिरोगे कि इसको सही कहाँ करवाएं, क्या करवाएं, ये है वो है, सो तूफान बाजी डंगा करोगा। ऐसे बढ़िया ई मित्र पे जाओ, सीधा आवेदन करवा दो, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, सारी चीजें करेंगे क्लियर। बिना परीक्षा सीधा प्रवेश होगा, परसेंटेज बेस पर, 12वीं का परसेंटेज बेस पर आपका कॉलेज का जो सिलेक्शन होगा। पशुधन सहायक का कोर्स है 2 साल का, जिसमें 12वीं पास योग्यता के भाई बहन इसमें आवेदन कर सकते हैं। कृषि से संबंधित यानी कि एग्रीकल्चर आपके पास थी 12वीं में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैथ वाले और आर्ट्स वाले ये कतई फॉर्म नहीं भर सकते भैया। मैथ वाले और आर्ट्स वाले इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मैं पहले ही इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देता हूँ। जो भी भाई बहन मैथ से 12वीं पास हैं फॉर्म नहीं भर सकते, आर्ट से हैं फॉर्म नहीं भर सकते, बायो से हैं फॉर्म भर सकते हैं, एग्रीकल्चर से हैं फॉर्म भर सकते हैं। और उनकी 12वीं में जो परसेंटेज रहेगी, जैसे मान लो 60% है, 70 है, 80 है, जो भी परसेंटेज छूटती है उसके अनुसार उनको कॉलेज मिलने वाली है। ठीक है साहब, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज टोटल 100 कॉलेजों में एडमिशन शुरू हैं साथियों। एडमिशन 100 कॉलेजों में एडमिशन शुरू हैं, इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। 100 कॉलेजों में से ही आपको एक कॉलेज मिलेगा। आप अपने नज़दीकी कॉलेज को चुन सकते हैं, उसमें आप काउंसलिंग करवाते समय अपने नज़दीक जो कॉलेज हैं उनको आप भर देना। सरकारी तो बहुत कम है भैया, 4-5 कॉलेज हैं सरकारी, तो बाकी तो प्राइवेट ही कॉलेज हैं सारी की सारी। अब बात करें फीस की, तो सरकारी कॉलेज में तो यही 10 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा आपका, और प्राइवेट में तो 40 हज़ार के लगभग आपका खर्चा आएगा, जो कि एक साल का होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करें छात्रवृत्ति सुविधा मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। जनरल को तो मिलती नहीं है, बाकी ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी ये जो कैंडिडेट हैं इनको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। जैसे भाई ओबीसी, एमबीसी में गुजर है ना, एससी, एसटी ये जो है कैटेगरी, इनको छात्रवृत्ति की सुविधा भी मिल जाती है, जो कि सभी कॉलेजों में ये तो नियम लागू रहता है, छात्रवृत्ति तो मिलती रहती है, सभी में मिलती है। ठीक है, अच्छा जी, चाहे आप बीएड कर लो, बीएसटीसी कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसमें भी आपको छात्रवृत्ति की सुविधा मिल जाएगी। और एक बार कन्फर्म भी जरूर कर लेना, किसी भी कॉलेज में आपका नंबर आ जाता है तो रिपोर्टिंग करवाते समय आप ये कन्फर्म कर लेना कि साहब छात्रवृत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, तो वो आपको और भी क्लियर कर देंगे। छात्रवृत्ति आपको पूरी की पूरी फीस आपकी वापस हो जाएगी। फिर अगले साल क्यों आपको इतने ही पैसे जमा करवाने हैं, तो आपकी जो छात्रवृत्ति पास होगी उसी को दोबारा जमा करवा देना, फिर आपके वापस आ जाएंगे, तो ये फ्री में ही हो जाएगा आपका। ठीक है जी, प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फीस लगते हैं, सरकारी में कम लगती है। अच्छा, अब देखो चयन वगैरह, एज वगैरह की बात करें तो न्यूनतम एज 17 साल होनी चाहिए। 12वीं पास करता है बच्चा तो 16-17 साल का तो वैसे ही हो जाता है, तो कम से कम 17 साल की एज होनी चाहिए। एज की जो गणना है वो 31 दिसंबर 2023 को कर दी जाएगी, एज की गणना उसको मानी जाएगी। और लगभग तो है, न्यूनतम तो 17 साल है, लेकिन अधिकतम इसमें हम मान के चले 28 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। बाकी जानकारी मित्र वाला दे देगा आपको। फॉर्म फीस कितनी लगेगी साहब, 1500 रुपया लगेगा। चयन कैसे होगा, सबसे पहले फॉर्म भरो, फिर आपका काउंसलिंग वगैरह होगा, तो उसमें आपको नज़दीक की जो कॉलेज हैं वो भरनी है। कॉलेज वगैरह सारी की चीज़ें आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ऑफिशियल raajuvaas.com का है। तो इस वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करें तो इसमें पूरी की पूरी लिस्ट भी आपको दिखाई दे देंगी। 100 लिस्ट हैं, जो आप 100 की 100 कॉलेज हैं, एक ही लिस्ट में 100 की 100 कॉलेज दे रखी हैं। अलवर है, अजमेर है, जो भी जिले हैं जितने भी हैं राजस्थान में, जहां जहां पर ये कॉलेज हैं वो सारी के सारे नाम है कॉलेज का और जिले का नाम है, आप आराम से देख सकते हैं। वहां से आप आराम से कॉलेज भर सकते हैं, अपने खुद के जिले में भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, और ये जो इसका नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, जो कि एडमिशन से संबंधित है। ठीक है, तो सभी भाई बहन टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें भाई, उसी में नोटिफिकेशन वगैरह जो भी खबर आती है भर्ती से संबंधित उसी पर डाल दी जाती है। नज़दीकी कॉलेज भर दें, आपका मेरिट बेस से ही इसमें चयन होगा। 12वीं में जितनी परसेंटेज आपकी बढ़ी है उसी के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी, चाहे सरकारी मिले चाहे प्राइवेट मिले। सरकारी तो कितनों को मिल जाएंगी, 4-5 कॉलेज हैं सरकारी, तो बाकी तो सारे प्राइवेट कॉलेज ही हैं, प्राइवेट ही आपको मिलेंगी भाई। ठीक है, फीस वगैरह तैयार रखना भाई, अगर आपका नंबर आ जाता है तो। और जैसे ही आप कॉलेज में रिपोर्टिंग देते हैं, मान लो आपका कॉलेज में नंबर आ गया तो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग तो देनी है ना, तो रिपोर्टिंग देते समय आपको फॉर्म की जो प्रिंट है, आपने फॉर्म भरा है वो प्रिंट भी लेके जानी है, मार्कशीट लगाई है, जो भी डिग्री डिप्लोमा आपने लगाया है, आधार कार्ड, मूल जाति 4, ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सारी चीजें लेकर के ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी लेकर के आपको कॉलेज में जाना होगा और वहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी साथियों,
जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी इच्छा है ये कोर्स करने का तो आप कोर्स कर सकते हैं, एडमिशन शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों कोई भी समस्या हो तो समाधान पाने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, इंस्टा के ऊपर आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा चुके हैं, कन्फ्यूजन है ही नहीं, सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, डाउट छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।